इस साल यानी 2023 में 9 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। कर्नाटक भी उन राज्यों में से एक है और कर्नाटक से इस समय एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हाँ, आदर्श आचार संहिता लागू होने के बावजूद यहाँ पर राजनेताओं के द्वारा लुभावनी वस्तुएं देकर वोटरों को खरीदा जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कर्नाटक में चुनाव नजदीक आते ही सभी नेता अपने रंग में लौट गए हैं। सभी नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए हर संभव कोशिश करते नजर आ रहे हैं। डिनर सेट, प्रेशर कुकर, डिजिटल घड़ियां और अन्य उपहार की ऐसा लगता है कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले तोहफों का मौसम आ गया हो। कुछ राजनेता अपने मतदाताओं की तीर्थ यात्रा को प्रायोजित करते पाए गए। सबसे पसंदीदा स्थान आंध्र प्रदेश में तिरुपति, कर्नाटक में धर्मस्थल में मंजुनाथ स्वामी मंदिर और महाराष्ट्र में शिरडी है। बागलकोट जिले के एक प्रमुख राजनेता की तस्वीर वाली डिजिटल वाली फोटो थी, जो वीडियो थी वो भी वायरल हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक बेंगलुरु निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं को डिनर सेट बांटे गए। जब जांच बैठाई गई तो ट्रक में भरे प्रेशर कुकर और रसोई के बर्तन भी जब्त किए गए थे। इन घटनाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार मीणा ने कहा कि चुनाव की तारीखों की घोषणा के दिन से ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है, लेकिन चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही इस तरह की प्रथाओं पर अंकुश लगाने और तरीके ढूंढने होंगे। खैर, इस मामले में तो संज्ञान ले लिया गया है, मामले भी दर्ज कर लिए गए हैं, लेकिन आज भी हमारे देश में कई ऐसे राजनेता हैं जो ऐसे ही कार्य करके वोटरों को लुभाते हैं और वोट पाते हैं, यानी लोकतंत्र को हानि पहुंचाते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी? अपना जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बने रहिए पंजाब केसरी.com के साथ।